देखो ये जो बीच में है यहाँ पे रखा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका जो सेल वॉल है, ये हम बाहर वाला जो है सेल वॉल है, ठीक है। एंड ये जो बाहर से ये जो निकला हुआ है लॉन्ग बॉडी, ये फ्लाजिला है। क्या है? फ्लाजिला है इनकी बॉडी में। एंड इसके अलावा अंदर की जो एक वो है, वो क्या है इनके अंदर, इनसाइड द सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? पेलिकल या पेरिप्लास्ट। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना यूग्लिना की, उसको हम पेलिकल या फिर पेरिप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिप्लास्ट, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे इधर से, इनको हम बेसल ग्रानुल्स बोलते हैं, बेसल ग्रानुल्स, ठीक है। और जस्ट ये देखो, ये दो फ्लाजिला हैं, एक तो बड़ा वाला फ्लाजिला है जो कि बाहर निकल जाता है, ये इसका माउथ है, इसको क्या बोलते हैं? माउथ को साइटोस्टोम। ये जो पूरा है ना फ्लाजिला का माउथ होता है, इस माउथ को हम साइटोस्टोम बोलते हैं, साइटोस्टोम, ठीक है। और इस माउथ के अंदर जो कैविटी है, इसको हम साइटोपायरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोपायरेंस, जस्ट नीचे, ठीक है। और देखो ये जो फ्लाजिला है, यहाँ पे दो फ्लाजिला, एक तो छोटा है, यहाँ अंदर ही रह जाता है, एक बाहर वाला। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से निकलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पैराफ्लाजिलर बॉडी। क्या बोलते हैं? पैराफ्लाजिलर बॉडी, ठीक है। एंड ये जो अंदर का जो स्पेस बच जाता है, ये क्या होता है? रिजर्वर, रिजर्वोयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एंड ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे पूरा डिवाइड हो रहे हैं, इन पूरे जो अंदर की साइड साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं, इनको हम मायोनीम्स बोलते हैं। ये प्लेट सी लाइक स्ट्रक्चर, मायोनीम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट और इधर, ये जो रिजर्वर है ना, यहाँ पे जस्ट साइड में एक पॉइंट और होता है, जिसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा, ठीक है। अब देखो इसे, स्टिग्मा को हम रेड आई स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेड आई स्पॉट। तो ये हो गया हमारा युग्लिना का स्ट्रक्चर। एक बार मैं और बता देती हूँ आपको कि ये पूरा का पूरा इस टाइप का जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो शेप दिखाई दे रही है, ये युग्लिना है। युग्लिना के पास दो फ्लाजिला होते हैं, देखो एक तो छोटा जो कि रिजर्वर के अंदर ही रह जाता है, एक ये जो इसके माउथ से बाहर निकल जाता है, लॉन्ग फ्लाजिला होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो माउथ है, जो पार्ट है इसका ऊपर वाला, इसको माउथ को क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। साइटोस्टोम से जस्ट जो नीचे वाली जो जगह है, होते हैं साइटोपायरेंस, ठीक है। इस पूरे वाले, इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वोयर, ठीक है। जहाँ पे फ्लाजिला मिलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट प्रेजेंट है, इसको पैराफ्लाजिलर बॉडी बोलते हैं। जस्ट इस रिजर्वर के साइड एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्टिग्मा या रेड आई स्पॉट बोलते हैं। स्टिग्मा और रेड आई स्पॉट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है अस्टाजेंथिन। क्या नाम है इस पिगमेंट का? अस्टाजेंथिन। ये अस्टाजेंथिन पिगमेंट और ये जो पैराफ्लाजिलर बॉडी है, ये फोटो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? ये फोटो रिसेप्टर, जो इसे देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब कोई भी लाइट पड़ती है तो ये उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं, किसी भी लाइट को क्या करते हैं? डिटेक्ट, मतलब उसको लाइट का आइडेंटिफाइड करते हैं, डिटेक्ट करने का मतलब ये होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये इसका क्या है, ये जो राउंड बॉडी है, न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। साइड में ये क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये क्या
आपको दिखाई दे रहा है ये बेसल ग्रानुल्स, ये बेसल ग्रानुल्स के ऊपर से ही ये फ्लैजिला निकल रहे हैं। ये बेसल ग्रानुल्स है ना जो जस्ट इसके रिजर्वर के नीचे मिलते हैं, यहाँ से ये फ्लैजिला निकलते हैं। इसके अलावा ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है इनके अंदर? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। मतलब ओस्मो रेगुलेशन मतलब पानी पानी को अंदर लेना है वाटर को या बाहर निकालना है, एक्सक्रीशन का काम करता है, तो इस प्रोसेस को हम ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, जो कि ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया भाई, मैंने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा जो युगलिना है ना, युगलिना जो है ये मिक्सोट्रोपिक है, मैंने पहले ही बताया मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है ये स्पेशल फीचर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर मिलता है, तो ये बता देना युगलिना के अंदर। मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है इसके पास दोनों न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी एज वेल एज हेटरोट्रोपिक भी। ठीक है, अब बात करते हैं मैं इस रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन की बात करें युगलिना के अंदर, तो जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि जो भी सेल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर अब्सेंट होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है युगलिना के अंदर। तो ये था युगलिना, जो कि हमने एक ग्रुप पढ़ लिया है प्रोटिस्टा किंगडम का, जो कि कौन सा था? प्रोटिस्टियन अल्गी, जिसको हमने तीन में डिवाइड कर दिया था, डाइनोफ्लाजिलेट्स, डायटम्स और युगलिना। तीनों वो क्या कर सकते हैं? ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। और ये युगलिना ऐसा है जिसमें दोनों ही न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, मिक्सोट्रोपिक। ठीक है, तो ये था हमारा युगलिना।